हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और रेजिस्टेंसेस के बारे में, कि रेजिस्टेंसेस को हम किस तरीके से अरेंज करते हैं किसी भी सर्किट में, किस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम शॉर्ट में EMF भी कहते हैं, EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई फोर्स है, ये एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक सेल के बारे में समझना पड़ेगा कि ये सेल होता क्या है। तो आपने इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ा है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी होता है। तो बेसिकली जस्ट हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो सेल में होता क्या है, एक कंटेनर होता है जैसे कि आपको पता होगा, और इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। उसके अलावा इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो प्लेट्स होते हैं जिनको आप इलेक्ट्रोड्स कहते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, इस तरीके का आपके पास अरेंजमेंट होता है। अब ये किसी सर्किट से अरेंज होगा, ये जो सेल होता है ये किसी सर्किट से कनेक्टेड होगा, तो इस तरीके का आप एक सेल होता है। अब अगर EMF बोला जाए कि EMF होता क्या, तो सबसे पहले मैं बहुत सिंपल से एक डेफिनेशन बताता हूं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कोई भी सेल है आपके पास, इलेक्ट्रिकल सेल है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में आप देख सकते हो दो टर्मिनल्स होते हैं, आपको पता है, जिनको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोड्स कहते हो। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो दो एंड्स होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं सेल के, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब सर्किट ओपन होता है यानी कि सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इन दोनों के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। तो ध्यान रखिए, व्हाट इज EMF? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। तो कोई भी सेल होता है आपके पास, सेल आपने देखे होंगे जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, जैसे कि आपके जो वॉचेस में लगते हैं वो भी एक सेल होता है, या फिर आपके जो रिमोट्स में लगते हैं, रिमोट कंट्रोल जितने भी होते हैं, आपके बैटरीज वगैरह, ये सब क्या है, ये सेल्स ही हैं। तो ये जो सेल है, इस सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करोगे, तो किसी भी सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो हमारे पास एक सेल है, करेक्ट, अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन समझे तो उसका मतलब क्या होता है और डेफिनेशन क्या कहती है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक सेल है, करेक्ट, और उस सेल में मान लेते हैं कोई सर्किट है, सपोज ये सेल को, या सेल को आप इस तरीके से शो करते हो, और यहां पे मान लेते हैं कोई सर्किट आपका कंप्लीट। तो EMF की डेफिनेशन कहती है, व्हाट इज EMF, इसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो व्हाट इज EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल इज द वर्क डन टू रोटेट, और यू कैन से टू वर्क डन फॉर अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज इन अ सर्किट। तो किसी भी सर्किट में मान लेते हैं ये कोई सर्किट है, करेक्ट, ये आपका बैटरी हो गई, यहां पे कोई चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपको पता है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पूरे सर्किट में घुमा के फिर वापस यहीं पे लेके आ जाए। तो पूरे सर्किट में घूमने पे आपको उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल। तो ये चीज ध्यान रखे। तो मान लेते हैं आपने W वर्क किया और यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं वो क्या है, क्यू नॉट हो गया। तो EMF ऑफ द सेल क्या हो गया यहां पे, W बाय क्यू नॉट, वेयर W इज द वर्क डन टू फॉर द कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द पॉजिटिव यूनिट चार्ज इन द सर्किट। तो पूरे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ेगा पूरे सर्किट में, अगर उस पॉजिटिव चार्ज को आपको घुमाना है तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो जितना भी वर्क किया गया है, आपने जितनी भी एनर्जी यूज की है उसके लिए, दैट इज नोन एज वर्क EMF ऑफ द सेल। और क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट मान लेते हैं कोई चार्ज है, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी कि वन है, तो EMF किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा W के बराबर, यानी कि वर्क डन के बराबर। तो अगर Q हमारे पास चार्ज है तो EMF क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किस चीज के लिए, पूरे सर्किट में उस चार्ज को घुमाने के लिए। ये चीज ध्यान रखिए। अब अगर मैं बात करूं कि
कि ईएमएफ किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ईएमएफ बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो उनमें से जो मेन फैक्टर्स हैं ध्यान रखिए वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स पे कि किस तरीके का आपके इलेक्ट्रोलाइट है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, साथ ही आपका जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके इलेक्ट्रोड्स किस टाइप के, इन चीजों पर डिपेंड करता है ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हम आ जाते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए ये एक सर्किट है, मैंने क्या बोला कि यहां से पूरे सर्किट में आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को घुमाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ, तो हमने बोल दिया। अब बात आती है टर्मिनल वोल्टेज की, नेक्स्ट आता है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज समझते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो आपको पता है कि किसी भी बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, करेक्ट, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये भी हमारे पास एक बैटरी है या सेल है, तो कोई भी सेल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इधर नेगेटिव टर्मिनल होता है। आपको पता है करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आने के पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। अब अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रही है, सो व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? तो आप ये कह सकते हो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस when the circuit is closed or you can say when the current is flowing in the circuit। अब देखिए ये छोटा सा difference है, लेकिन ये छोटा सा difference बहुत बड़ा बन जाता है किस किस के बीच में, टर्मिनल वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब फोर्स नहीं है इनमें से कोई भी, दोनों के दोनों क्या हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। देखिए दोनों के दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही है और दोनों के दोनों क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन जब सर्किट ओपन है यानी कि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उस समय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन अब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है यानी कि सर्किट इज क्लोज, सर्किट क्लोज है, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होती है। अब जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो उस समय पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। अब देखिए अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, मान लेते हैं रेजिस्टेंस यहां पे R है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आपने सर्किट में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है और टर्मिनल मतलब ये एंड और ये एंड, इन दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, तो यही वी क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। अब ध्यान दीजिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, सेम क्योंकि आपको मैंने भी बताया पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का, यानी देखिए डिफरेंस क्या है कि अगर यहां से लेके पॉजिटिव से लेके यहां तक आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके गए उसमें आपको जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, लेकिन यहां से पूरा घुमा के फिर वापस यहां तक लेके आ गए। देखिए फिर से बता देता हूं, यहां से हम मान लीजिए मैंने यहां से शुरू किया, यहां पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू किया और इस नेगेटिव टर्मिनल तक मैं लेके गया किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उसके लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो मान लेते हैं उसके लिए वर्क कितना करना पड़ा आपको, डब्ल्यू डैश करना पड़ा, तो मैं क्या कह सकता हूं, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश बाय क्यू नॉट, जो वी क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज है। ध्यान रखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये ई से या एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं हम इसको, तो ये आप समझ गए होंगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अब यहां से यहां तक और लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए जितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज के लिए वो हो जाएगा ईएमएफ। तो इतना डिफरेंस है, देखिए इतने का डिफरेंस है। अगर आप यहां से लेके जाते हो यहीं पे छोड़ देते हो तो जितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज को लेकर जाने के लिए दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, और यहां से पूरा घुमा के वापस यहां तक लेके आ गए तो वो हो गया जितना वर्क करना पड़ेगा वो हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, भले ही छोटा सा लग रहा है लेकिन ये काफी बड़ा डिफरेंस है। या आप दूसरा तरीका मैंने भी बताया कि क्या होता है ये ईएमएफ, क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट ओपन होता है यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ईएमएफ बोलूंगा। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स जब सर्किट क्लोज है, व्हेन द सर्किट इज क्लोज, और यू कैन से व्हेन देयर इज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। तो इस चीज का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। तो ये दोनों इतना डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप और यू कैन से वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी सेल में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज कैसे ड्रॉप होती है, वोल्टेज क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है।
वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि भाई एक जगह हाई पोटेंशियल है, दूसरी जगह लो पोटेंशियल। अभी हाई से लो क्यों जाता है? क्योंकि आपने बीच में कोई वर्क किया होगा। तो यहां पर व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल, कि किसी भी सेल में आप देख सकते हो, इस सेल में मैंने क्या कहा था, यहां से लेके यहां तक आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हो, तो उसके लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन अब यहां से लेके यहां तक आपको उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाना है, तो इसका मतलब किसके थ्रू होके जाना पड़ेगा आपको, सेल के थ्रू होके जाना पड़ेगा। फिर से समझा देता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आप गए, तो उसके लिए आपको जितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज को लेकर जाने के लिए, वो हो गया टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन अब नेगेटिव से सेल के थ्रू होते हुए आपको वापस पॉजिटिव पे जाना है, पूरा चले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। तो उसके थ्रू जाने के लिए, क्योंकि अब सेल के थ्रू जाओगे तो सेल इतना इजीली तो जाने नहीं देगा, सेल में इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रो क्या कहते हैं सॉल्यूशन होगा, तो उस सॉल्यूशन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, और उसके थ्रू जाने के लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यही वर्क जो आपको करना पड़ता है, किसके थ्रू जाने के लिए, सेल के थ्रू जाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज को लेकर जाने के लिए, जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल। सो व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल, दैट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द सेल इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल। मान लेते हैं वो वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल वी से हम डिनोट करते हैं उसको, तो स्मॉल वी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, वर्क जितना करना पड़ा आपको, मान लेता हूं स्मॉल डब्ल्यू है, तो स्मॉल डब्ल्यू और चार्ज क्या है, क्यू नॉट ही है, तो बाय क्यू नॉट दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल, दिस इज ईएमएफ ऑफ द सेल, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज एंड दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल। नाउ जस्ट यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुना ही होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एनर्जी वर्क क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी की ही फॉर्म है। मतलब ये हुआ कि यहां से पूरा घूमकर आने में जितना आपको वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज को लेकर जाने के लिए, ठीक है ना, या जितना आपको वर्क करना पड़ा मान लेते किसी चार्ज को लेकर जाने के लिए, वो वर्क कितना था, W था, करेक्ट। अब देखिए यहां से लेके यहां तक आने के लिए जितना वर्क करना पड़ा उसको मैंने किससे डिनोट किया, W डैश, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W डैश, और फिर यहां से यहां भी लेके जाना पड़ेगा, दैट इज स्मॉल W, तो प्लस स्मॉल W। तो टोटल वर्क जो करना पड़ेगा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, टोटल वर्क जितना करना पड़ेगा, तो मैंने ऐड कर दिया, पहले मैं यहां से लेके यहां तक लेके आया, उसके लिए जितना वर्क करना पड़ा उसको मैंने किससे डिनोट किया था, W डैश, और अब सर्किट के लिए मतलब पूरा चक्कर अगर लगाना है तो किसके थ्रू होके जाना पड़ेगा, सेल के थ्रू होके जाना पड़ेगा, उसके लिए W स्मॉल W वर्क किया हमने, तो जो कैपिटल W होता है दैट इज W डैश। W डैश क्या है, यहां से लेके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक आने के लिए जो वर्क करना पड़ा। अब हम अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग बाय क्यू नॉट बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ डिवाइडिंग बाय क्यू नॉट बोथ साइड्स, तो अगर मैं दोनों तरफ क्यू नॉट से डिवाइड कर लूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे देखिए क्या होगा, W by Q naught is equal to W dash by Q naught plus small W by Q naught, and what is this, W by Q naught क्या है, that is EMF of the cell, W dash by Q naught that is equal to terminal voltage plus W by Q dash that is voltage drop across the cell। तो क्या मिला यहां से, EMF of the cell। अब आपको डिफरेंस क्लियर पता चल गया होगा EMF और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में, व्हाट इज द EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल। तो जितना सेल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है प्लस टर्मिनल वोल्टेज जितना है, उन दोनों का सम क्या होता है, EMF ऑफ द सेल। अब यानी कि अगर टर्मिनल वोल्टेज कुछ होगा लेकिन अगर वोल्टेज ड्रॉप जो है अक्रॉस द सेल वो जीरो है, सपोज ऐसा तो होता है नहीं एक्चुअली, पर मान लेते हैं इफ देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल, मान लेते हैं कोई वर्क नहीं करना पड़ा, ऐसी कोई चार्ज चला गया, तो उस केस में ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। बट प्रैक्टिकली ऐसा कभी होता है नहीं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये टर्मिनल वोल्टेज, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, किस किसके बीच का रिलेशन है, ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल, ये इन तीनों के बीच का रिलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं, तो अब नया टॉपिक क्या है हमारे पास,
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सेल के अक्रॉस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। अब क्यों वर्क करना पड़ेगा, वर्क देखो आपको तभी करना पड़ेगा जब आपको किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करना है, किसी फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं तो कोई ना कोई फोर्स है जो उसको अपोज कर रहा है। तो क्योंकि यहां पर अपोजिशन होगा ही होगा, क्योंकि सेल के अक्रॉस अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहा हूं तो ऑब्वियसली उसके अक्रॉस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, और उस सॉल्यूशन के थ्रू आपको चार्ज को लेकर जाने के लिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो फेस करना ही पड़ेगा। तो जो सेल रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू मूव चार्ज अक्रॉस द सेल, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल में ही, सेल के अंदर ही एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आपको किसी भी पॉजिटिव चार्ज को या किसी भी चार्ज को लेकर जाने के लिए आपको जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सेल, या आप सीधा कह सकते हो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यानी कि सेल के अक्रॉस ही, सेल के अंदर से ही अगर आप करंट फ्लो करना चाह रहे हो तो उस करंट को फ्लो होने से भी सेल रोकने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही, क्योंकि इतना इजीली तो जाने नहीं देगा, वहां पे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के थ्रू जाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ फोर्सेस तो लगेगा ही, अपोजिट फोर्स। तो यहां पे क्या है, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और उसको किस चीज से हम डिनोट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, स्मॉल आर से। अब यहां पर देखिए मैंने एक सेल ड्रॉ किया, तो यहां पे ये हो गया आपका सेल, और सेल के साथ ही हम एक छोटा सा ये इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है आपका सेल का। तो ये डिनोट करता है, क्योंकि अब उसके अंदर तो मैं आर ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, तो स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ही है सेल का, तो उसके बगल में हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, उसके बगल में हम इसको बना देते हैं, और बाकी पूरा आपका सर्किट हो गया, यहां पर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका आर है, करेक्ट। अब देखो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्योंकि आर है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, करेक्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज आप कह सकते, मान लेते हैं आप करंट, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रही है, तो मान लेते हैं करंट आई फ्लो हो रही है, राइट। करंट क्या फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, करंट आई है। तो आपको अभी क्या बताया, जो वी होगा कैपिटल वी दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर, करेक्ट। और जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल होगा दैट इज स्मॉल वी, That is equal to I into small r। और आपको मैंने EMF बताया था अभी, EMF equal to क्या होता है, capital V plus small v, और you can say EMF of the cell is equal to I into r plus I into small r। तो V की जगह पे मैं IR लिख लेता हूं। अच्छा ये IR कहां से लिखा मैंने, ये IR किससे लिखा, ये ओम्स लॉ से। आपको बताया था ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो वोल्टेज होता है, या आप कह सकते हो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस अ कंडक्टर या फिर अक्रॉस अ रेजिस्टर, तो वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू आई इनटू आर, और यू कैन से दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। तो वी इक्वल टू आई आर जो हमको मिला था वो कहां से मिला था, ओम्स लॉ से ही मिला था। अब ध्यान रखिए ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस या किसी रेजिस्टर के अक्रॉस, तो यहां पे हमने इसके अक्रॉस, क्योंकि करंट कितनी फ्लो हो रही है इसके अक्रॉस आई, और रेजिस्टेंस कितना है इसका आर, तो कैपिटल वी कितना हो जाएगा आई इनटू आर। इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सेल का, वो है स्मॉल आर, और करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट तो पूरे सर्किट में आई ही फ्लो हो रही है, तो हमने क्या लिख दिया स्मॉल वी इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। तो यहां से ईएमएफ इक्वल टू क्या आ गया, वी प्लस स्मॉल वी, जो कि हमने अभी डिराइव किया था, और ईएमएफ इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर, और यू कैन से ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर। आई को आप कॉन्स्टेंट ले सकते हो या कॉमन ले सकते हो, तो यहां से आप कह सकते हो I को हमने कॉमन लिया, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा EMF ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल R। तो ये आपका हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कितना करंट फ्लो हो रहा है EMF अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये आप फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिए, आप चाहो तो दुनिया भर के अलग अलग फॉर्मूले बता सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो। आई आर को हम कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो EMF इज इक्वल टू कैपिटल वी प्लस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से चाहो तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो कि E माइनस V इज इक्वल टू I इंटू R, और यू कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू E माइनस V बाय I। तो यहां से आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी
कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप अलग अलग फॉर्मूले यहां से डिराइव कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और क्या रिलेशन है इन सब के बीच में, ये भी समझ में आ गया होगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहां पे समझ लेते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, चलिए इनको समझ लेते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करती हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को। तो सबसे पहला ध्यान रखिए, दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में जिस टाइप का होगा, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपने एक्चुअली केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो मैं थोड़ा डिटेल्स में इसको डिस्कस कर रहा हूं, हालांकि आपको फिजिक्स में इतना डिटेल्स में समझने की जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके का हो सकता है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे, आयंस ज्यादा होंगे, तो वो इजीली फ्लो करेंगे। चार्ज कैरियर कम होंगे तो कम चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे, तो इसका मतलब करंट कम फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ऐड करोगे तो ज्यादा आयंस फॉर्म होंगे, कम ऐड करोगे कम होंगे, तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा है इलेक्ट्रोलाइट या कम है इससे भी डिपेंड करेगा। थर्ड फैक्टर की हम बात करते हैं, थर्ड फैक्टर क्या है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। भाई देखो, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में, क्योंकि आपको पता है एक पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हमको जाना है या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है, तो इसके अक्रॉस जाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक हमको जाना है। और जब हम एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जा रहे हैं, तो आपको पता है चार्ज को जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था चार्ज को जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का उतना ही ज्यादा होगा। चलिए अब बात करते हैं हम एक और फैक्टर की, दैट इज एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड्स का, वो इतना इजीली क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा चार्ज को, यानी कि या फिर लूज करेगा चार्ज को, यानी कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और एक लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो आयंस होते हैं वो ज्यादा इजीली मूव करने लगते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है, और जितना कम डेंस होगा उसके थ्रू उतना इजीली आयंस फ्लो करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है सर्किट का। यहां पे ध्यान रखिए, मेटल्स में ऐसा नहीं होता, मेटल्स में आपको पता होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है किसी भी सेल का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो, क्योंकि टेम्परेचर सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन होगा इस सेल में, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा तो उसकी डेंसिटी मीन्स कम होगी, तो कम डेंस जो सॉल्यूशन है उसके थ्रू चार्ज को मूव करने में ज्यादा आसानी होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस किस चीज पे, किस किस फैक्टर पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी सेल का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये दो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, यहां पे डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैं और यहां पे भी अलग अलग रेजिस्टर्स मैंने लगाए हैं, R1, R2, R3 और यहां भी मैंने R1, R2, R3। तो 3, 4, 5, 6 जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो आप डिफरेंट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आप लगा सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की मैंने बात की कि डिफरेंट रेजिस्टर्स को आप एक सर्किट में किस तरीके से लगाते हो। दो रेजिस्टर, दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहां पे बताए हैं, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसी भी सर्किट में जब आप रेजिस्टर्स को एक के बाद एक लगाते हो, दैट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स आर अरेंज और कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपने रेजिस्टर वन लगाया, फिर उससे कनेक्ट किया रेजिस्टर टू को, फिर रेजिस्टर थ्री को, एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रखिए ये हमारे पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया रेजिस्टर्स का। अब दूसरा है हमारे पास कि अगर रेजिस्टर्स को आप इस तरीके से कनेक्ट करते हो कि उनके जो दो एंड्स हैं वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के बगल में होते हैं, यानी कि दो एंड्स, क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पे देखिए, ये रेजिस्टर का देखो एक एंड ए है एक बी है, करेक्ट, इसका एंड ए से लेके एंड बी तक गया, फिर इसका जब बी खत्म हुआ तो ये बी पे दूसरा रेजिस्टर शुरू हो गया और फिर सी पे
ये खत्म हुआ तो सी पे तीसरा रजिस्टर शुरू हो गया। तो यहां पे दो एंड्स देखिए, दो एंड्स कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं रजिस्टर्स के, बट व्हेन द रजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर टू एंड्स आर ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर, देन दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान रखिए जो दो एंड्स हैं यहां पे देखिए, रजिस्टर वन है इसके दो एंड्स देखिए, रजिस्टर टू है इसके दो एंड्स देखिए, और रजिस्टर थ्री है इनके इसके दो एंड्स देखिए, तो इसके और ये वाला एंड देखिए हमेशा साथ में कनेक्टेड रहते हैं। तीन रजिस्टर्स हैं यहाँ पे, चार भी हो सकते थे, पांच भी हो सकते थे, और किस तरीके से अरेंज हैं देखिए, ये एंड तीनों के आपस में कनेक्टेड है और इधर वाले एंड भी तीनों के आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक का एक एंड शुरू हो रहा है, दूसरा खत्म हो रहा है, दूसरा खत्म होते दूसरा रजिस्टर शुरू हो जा रहा है, उसको वो जब खत्म हो रहा है तब तीसरा रजिस्टर शुरू हो जा रहा है, तो यहाँ पे एक ही एंड कनेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों एंड्स हमेशा कनेक्टेड होते हैं रजिस्टर्स के। तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं रजिस्टर्स का। तो ये क्या हो गया आपका, पैरेलल कनेक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बीच में रिलेशनशिप या फिर डिफरेंस आप कैसे बता सकते हो, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। तो दो तरीके से हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। क्या आपको इसमें इतना ही पढ़ना है? नहीं, आपको इसमें अभी एक और चीज पढ़नी है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन और इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। कि ये जो सीरीज का ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये ज्यादा होगा या कम होगा, और पैरेलल में मैं ओवरऑल रेजिस्टेंस इन सबका चेक करूं तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज द ऑब्स्टेकल। एक कॉमन सेंस की बात करते हैं, ऑब्स्टेकल अगर है तो सीरीज में देखिए करंट यहां से फ्लो होगी, पहले ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, तो ओवरऑल जो करंट के रास्ते में रुकावट होगी, ऑब्स्टेकल होगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। तो इस वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चलिए पहले इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सीरीज में हमेशा ध्यान रखना कि जो रेजिस्टर होता है, मींस जितने भी रेजिस्टर्स आप कनेक्ट करते हो, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है पूरे सर्किट का या फिर पूरे कॉम्बिनेशन का, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द रेजिस्टर्स। जो रेजिस्टेंस जो भी किसी भी सर्किट में जो ग्रेटर रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सपोज यहां पे देख लीजिए, ए से लेके बी तक, क्योंकि आप पूरा सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहे हो, तो ए से लेके बी तक जो आप करंट फ्लो करोगे उसके अक्रॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना है, आर वन है, मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वो कितना है, वो है वी वन, दूसरे के अक्रॉस आर टू के अक्रॉस वी टू है, और इसके अक्रॉस वी थ्री है, करेक्ट। तो यहां पे देखिए वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर वन, करेक्ट। उसी तरीके से अगर मैं वी टू कैलकुलेट करूं तो वी टू, यहां पे मैं ओम्स लॉ यूज कर रहा हूं सीधा सीधा, वी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर टू, और वी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर थ्री। अब सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा किसके, पॉइंट ए से लेके डी के बीच में, तो वी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर वन प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर टू प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर थ्री, यानी कि वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। यहां पे ये चीज ध्यान रखिए, पोटेंशियल ड्रॉप होते जाता है तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा, वी क्या है मान लेते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल है, तो टर्मिनल पोटेंशियल ओवरऑल क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर फर्स्ट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकंड रेजिस्टर्स प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थर्ड रेजिस्टर। तो यहां पे वी, अच्छा अब मान लेते हैं वी इक्वल टू आई आर है, वी इक्वल टू क्या है, आई आर, और आर क्या है यहां पे, आर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है इन तीनों का मिला के, तो मैं क्या लिख सकता हूं, वी इंटू आर, या फिर आर की जगह मैं आर एस कर देता हूं, आर एस स्टैंड्स फॉर सीरीज, एस का मतलब हुआ सीरीज, तो आर एस लिख देता हूं ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए, सॉरी वी, तो वी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, आई इंटू आर एस, वी आर एस नहीं, आई इंटू आर एस लिख सकता हूं, और वी वन की वैल्यू पुट कर लेता हूं, दैट इज आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस वी थ्री की वैल्यू क्या है, आई आर थ्री, क्योंकि करंट सेम है पूरे सर्किट में, तो आई यहां से कॉमन ले लेता हूं, आर एस इज इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और अब क्या हुआ, आई दोनों तरफ से आप कैंसिल कर सकते हो, सो व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम हियर,
आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो सीरीज का जो रेजिस्टेंस हमारे पास आया वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज में आपने जितने भी रेजिस्टर्स लगा के रखे हैं, 1, 2, 3 नहीं, 10, 15, 100, 200 जितने भी होंगे, तो आर एस मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेज ऑफ ईच रेजिस्टर्स। हर रेजिस्टर का जितना भी रेजिस्टेंस होगा उन सबका सम कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस उतना ही होगा। तो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है सीरीज में, रेजिस्टर्स को अरेंज करके बढ़ जाता है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मैं पहले बता देता हूं ऐसे कम हो जाता है, कम होने का भी एक रीजन है क्योंकि देखिए पहले क्या था, करंट के पास अगर यहां पे देखिए करंट के पास ना फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता है, तो उसको एक ही रास्ते से जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली करंट को एक ही रास्ते से जाना पड़ रहा है, बीच में अलग अलग ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा ही होगा। यहां पे क्या है, करंट के पास तीन अलग अलग रास्ते हैं, तो भाई जिस रास्ते से ज्यादा ऑब्स्टिकल होगा उस रास्ते से नहीं जाएगी करंट, जिससे सबसे कम होगा उससे जाएगी, और इसकी वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर करंट फ्लो हो रही है यहां से आ रही, लेकिन अब यहां पे देखिए करंट को, करंट देखिए जैसे नदी होती है ना, नदी में जैसे पानी बहता है, करंट भी सर्किट में उसी तरीके से फ्लो हो रहा है। अब करंट को यहां पे मिल गए तीन रास्ते, तो क्या होगा जब नदी में, नदी को तीन रास्ते मिल गए तो क्या करेगा, कुछ पानी इधर चले जाएगा, कुछ इधर चले जाएगा, कुछ इधर, तीन या तीन से कितने भी हो सकते हैं, तो ये जो पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सर्किट में करंट को भी अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं तो वो भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लेते हैं इधर करंट जो है वो आई वन चली गई, इधर जो करंट है वो आई टू चली गई, और इधर जो करंट गई वो आई थ्री चली गई। अब ये तीनों आई वन आई टू आई थ्री फिर वापस में जब इधर आएंगे तीनों, तो इधर से मिलके फिर वापस आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री वो कितने हो जाएंगे, आई हो जाएंगे तीनों मिलके। तो यहां पे चीज ध्यान रखना कि जो आई होगा, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए यहां पर। अब एक और चीज, एक और चीज क्या है कि अगर मैं बात करूं ए से बी की, तो सारे के सारे रेजिस्टेंस R1, R2, R3 तीनों A और B के बीच में ही है, पॉइंट A और B से ही कनेक्टेड है। इसका मतलब पॉइंट A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये क्या है पॉइंट और A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है क्या, वही तो V है ना, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। तो V क्या है, V कितना हो जाएगा, आप यहां पे कह सकते हो V इज इक्वल टू आई वन इंटू आर वन, या फिर V इज इक्वल टू I2 into R2, सेम ही तो होगा क्योंकि सब A और B के बीच में ही है। तो मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट्स के बीच में है, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दो पॉइंट्स, क्योंकि सारे रेजिस्टर्स इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो इन सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होती है, ये चीज ध्यान रखिए। और आप कह सकते हो V इज इक्वल टू आई थ्री इंटू आर थ्री। अब यहां से देखिए, यहां से ये तो आपने ओम्स लॉ यूज कर लिया, तो यहां पे आप कह सकते हो कि I1 इज इक्वल टू V बाय R1, यहां से आप कह सकते हो कि I2 इज इक्वल टू V बाय R2, और यहां से आप कह सकते हो कि I3 इज इक्वल टू V बाय R3, करेक्ट, क्या मैं सही कह रहा हूं। तो ये यहां से देखिए हमने ओम्स लॉ यूज किया, बाकी उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अब मान लेते हैं कि RP क्या है, मान लेते हैं RP इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आरपी यहां पे जैसे आर एस था, एस का मतलब क्या था, सीरीज था वहां पे, यहां पे पैरेलल है, तो मैं उसको आरपी लिख लेता हूं। आप चाहो ना लिखो, आप केवल आर लिख लो, या दोनों के केस में जरूरी नहीं कि आर एस और आरपी ही लिखना है, वो दोनों क्योंकि अलग अलग है इसलिए मैं आर एस और आरपी से डिनोट कर रहा हूं। आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहां पर आप आर लिख लेना डायरेक्ट, करेक्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं आरपी है, मतलब इसको इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि सबको मिला के मगर एक रेजिस्टर बना दूं तो उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सेम अगर आरपी है तो अगेन वी इक्वल टू टोटल करंट कितनी है आई, ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ही है, इनटू आरपी ही होगा। और यहां से आप कह सकते हो कि आरपी इज इक्वल टू वी बाय आई यहां पे, और आप कह सकते हो यहां से I इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय RP, ये चीज ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, ये I1, I की वैल्यू देखो यहां पे पुट करता हूं मैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I, I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं हम लोग। I की जगह पे क्या रखना है, V बाय RP इज इक्वल टू I1, I1 इक्वल टू कितना है V बाय R1,
प्लस आई टू कितना है वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री। तो वी बाय आर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी कॉमन ले लेते हैं देखो तीनों से, तो हो जाएगा वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, और आप v को v से कैंसिल कर लीजिए। तो क्या मिल रहा है आपको यहां से, देखिए क्या मिल रहा है, वन बाय आर पी इज इक्वल टू वन बाय आर वन, ध्यान रखिए यहीं पे लिख लेता हूं मैं कि वन बाय आर पी इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, और अगर तीन से ज्यादा भी होंगे तो उनका भी सम हो जाएगा सबका, रेसिप्रोकल का सम। तो ये कनेक्शन है, ये जो है रिलेशन है रेजिस्टर्स का, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सम हो जाता है, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो सारे रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम होता है, किसके बराबर, जो नेट रेजिस्टेंस होता है, या कह सकते हो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है उसका रेसिप्रोकल। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे तो आई होप कि आपको ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गए होंगे, और उनके जो फॉर्मूले हैं वो कहां से आते हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी पूछ सकते हैं।